नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज के वीडियो में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ तो इस गाने को बजाना सीखेंगे कि सेनोरिटा बेस पे कैसे बजाया जाता है। दूसरी चीज़, प्राइमरी डोमिनेंट क्या होती है, सेकेंडरी डोमिनेंट क्या होती है और कैसे इस गाने में इस्तेमाल हुई है इस गाने को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिर इस गाने का ब्रिज जो लास्ट का पार्ट है बहुत ही सुंदर तरीके से कंपोज हुआ है, उसके अंदर क्या थियोरी है, कैसे वो कॉर्ड चेंजेस क्रिएट हुए हैं, कैसे उनको साथ जोड़ा गया है, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बातें करने से पहले मैं आपको एक बार गाना बजा के सुना देता हूँ, वर्स और कोरस। शुरू में तो हमारा गिटार पार्ट है, इस पर हम डांस कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा रेडी हो जाए। ग्रूव कैसा आएगा उसके लिए डांस करना वैसे भी अच्छा होता है खुशी के लिए। एनीवेज, नो हार्म। चलिए बेस पार्ट आ रहा है। 1 2 3 ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा। नो देस ला मिरादा, quédate cerca de mí, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को दो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या सेनोरिटा। सुनो सुनो सेनोरिटा कहते हैं हम क्या, कमा पोद्रे इंटरप्रेटर। तो इस गाने में बहुत ही सिंपल चीज़ बजी हुई है जो है ट्रायड्स। ट्रायड्स क्या होते हैं, वो तीन नोट जिनसे एक कॉर्ड बनती है। मेजर कॉर्ड बनती है मेजर ट्रायड से, माइनर कॉर्ड बनती है माइनर ट्रायड से। मतलब क्या हो इन सब बातों का, एक मेजर कॉर्ड के बनने के लिए हमें पहला, तीसरा और पांचवा नोट चाहिए होता है मेजर स्केल का, ठीक है। एक माइनर कॉर्ड के बनने के लिए हमें पहला, तीसरा और पांचवा नोट चाहिए होता है माइनर कॉर्ड का, ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर मेजर कॉर्ड बज रही है तो मेजर ट्रायड बजा दिया, माइनर बज रही है तो माइनर ट्रायड बजा दिया, ठीक है। और इस गाने में यही हो रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर हम इसको दोबारा से प्ले करें सीखने के लिए, तो जो जो कॉर्ड बज रही है वही ट्रायड बज रहा है, ठीक। मैं कॉर्ड बोलता चलूंगा, ट्रायड साथ में बजाता चलूंगा, और फिर सेकेंडरी डोमिनेंट वाले पार्ट पे मैं रुकता हूँ। ए मेजर, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, बी माइनर, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा, ए मेजर, नो देस ला मिरादा, ई मेजर, quédate cerca de mí। अब मैं इसको नीचे वाले ई पे भी बजा सकता हूँ, ये भी 1 3 5 है या ट्रायड है, ठीक। अब ये गाना पूरा का पूरा डायटोनिक है, मतलब डायटोनिक पूरा तो नहीं है, लेकिन इस गाने को अगर हमें समझना हो ठीक से तो हमें इसको डायटोनिकली समझना होगा पहले, फिर इसके अंदर जो डोमिनेंट कॉर्ड सेकेंडरी डोमिनेंट का सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो हमें समझ में आएगा। तो अगर चाहत के दो पल से हम देखें, मैं पहले बेस लाइन बजाता हूँ फिर कॉर्ड्स बोलता चलूँगा और फिर समझेंगे डायटोनिक हारमोनी की मदद से कि यहाँ पर सेकेंडरी डोमिनेंट कहाँ है, ठीक है। डी मेजर, ए मेजर, ये सेकेंडरी डोमिनेंट है, डी मेजर, ए मेजर, ठीक। तो ये हमारी कॉर्ड्स हैं, ये आपको स्क्रीन पे भी दिख गई होंगी। अब सेकेंडरी डोमिनेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने बोला यहाँ पे सेकेंडरी डोमिनेंट आएगी, जैसे ये अगर हम सुने, चाहत के दो पल भी गल जाए, करेक्ट। तो ये वाली जो कॉर्ड है ये थोड़ी सी अटपटी लगी एकदम से हमें कि ये कहाँ से आ गया, यही है सेकेंडरी डोमिनेंट। अगर आपको मेजर डायटोनिक हार्मनी के बारे में पता है तो आपको ये पता होगा कि हर एक मेजर स्केल के अंदर कुछ कॉर्ड्स होती हैं, ठीक। और वही कॉर्ड्स इस गाने में इस्तेमाल हुई है, लेकिन सेकेंडरी डोमिनेंट्स कहीं से प्रकट हो जाती है, कहाँ से प्रकट हो जाती है उसको समझते हैं। तो पहले डायटोनिक हार्मनी समझ लेते हैं ए मेजर स्केल की।
डायटोनिक हार्मनी का मतलब है कि हर एक स्केल में मेजर माइनर हार्मोनिक माइनर मेलोडिक माइनर हर एक नोट से एक कॉर्ड बनती है, उसका एक ऑर्डर होता है, वो हम याद रख सकते हैं। तो ए मेजर के केस में अगर हम डायटोनिक हार्मनी की कॉर्ड्स देखते हैं, पहली बनती है मेजर या फिर मेजर सेवंथ, ठीक। सेवंथ कॉर्ड्स चार नोट से बनने लगती हैं, मेजर मेजर सेवंथ। मैं एक नोट छोड़ रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि काफ़ी मफल्ड साउंड करता है, मैं फाइव छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, पाँचवा नोट, क्योंकि वो फिर थोड़ी सी मडी साउंड क्रिएट करने लगता है। तो हम बेस पे जनरली फाइव को छोड़ देते हैं, और फाइव मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉर्ड की क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी कि मेजर और माइनर बताना सेवंथ और थर्ड का काम ज़्यादा होता है। वन मेजर सेवन, टू माइनर या फिर टू माइनर सेवन, थ्री माइनर सेवंथ के केस में थ्री माइनर सेवन, यहाँ पे बन रहा है सी शार्प माइनर सेवन। फोर्थ बन गया डी मेजर सेवन, फिफ्थ बन गया मेजर या फिर डोमिनेंट सेवन, ठीक। तो ये पांचवी कॉर्ड जो है किसी भी मेजर स्केल में, ये होती है हमारी प्राइमरी डोमिनेंट कॉर्ड, ठीक है। ये क्रिएट करती है टेंशन, ये कॉर्ड हवा में जैसे लटकी हुई हो, ये कहीं जाना चाहती है, ठीक। इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ वापस, ठीक है, कितना हवा में सुकून, ठीक। आगे बढ़ते चलते हैं, फाइव कॉर्ड, सिक्स कॉर्ड इज अ माइनर सेवन, सेवंथ कॉर्ड इज अ माइनर सेवन फ्लैट फाइव, बैक टू वन। तो ये हुई आपकी प्राइमरी डोमिनेंट। अब हम बात कर रहे थे सेकेंडरी डोमिनेंट की। सेकेंडरी डोमिनेंट एक मेजर स्केल के अंदर अवेलेबल होती है फर्दर टेंशन क्रिएट करने के लिए, या एक मेजर स्केल के अंदर हमें अगर ज़्यादा टेंशन क्रिएट करनी है अगली कॉर्ड पे जाने से पहले, तो हम उसका फिफ्थ नोट लेके वहाँ से एक डोमिनेंट बजाते हैं और फिर वन पे रिजॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी पहली कॉर्ड मेजर स्केल में ए मेजर सेवन है, फिफ्थ कॉर्ड ये है और वापस आ गए, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक। नया इन द सेंस मैं ऑलरेडी ये रेजोल्यूशन अपने मेजर स्केल से निकाल सकता हूँ। बात करते हैं अगर मुझे टू कॉर्ड पे आना है जो बी माइनस सेवन, मैं चाहता हूँ मैं इससे पहले सेकेंडरी डोमिनेंट कॉर्ड बजाऊँ, तो इसकी सेकेंडरी डोमिनेंट कॉर्ड मुझे निकालने के लिए सिर्फ इतना करना होगा कि इसका पाँचवा नोट, इस नोट से पाँचवा नोट जो है वहाँ पे डोमिनेंट कॉर्ड बजानी होगी, वही इसकी सेकेंडरी डोमिनेंट है, ठीक। यानी कि अगर मैं ए मेजर सेवन से बी माइनस सेवन जाना चाहता हूँ और बीच में सेकेंडरी डोमिनेंट डालना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से पाँचवा मेजर करके डोमिनेंट ऐड करनी है, ठीक। तो ये देखते हैं, ए मेजर सेवन, जी फ्लैट सेवन, ठीक। इंटरेस्टिंग हो गया ना, कुछ नया आ गया आवाज़। तो ये जो बीच में कॉर्ड है ये सेकेंडरी डोमिनेंट है। नेक्स्ट कॉर्ड देखते हैं, जो थर्ड कॉर्ड है स्केल की, इससे पहले भी मैं सेकेंडरी डोमिनेंट डाल सकता हूँ, कैसे, यहाँ के पाँचवें नोट से। पाँचवा कैसे गिन रहा हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, सीधा मेजर स्केल बजा के आप गिन सकते हैं, ठीक है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। और वैसे भी अगर आपको एक बार डिस्टेंस याद हो गया तो याद हो गया, दिख ही रहा है पाँचवा यहाँ पे, है ना। सो अब आया सवाल कि मुझे इस कॉर्ड पे आना है लेकिन इससे पहले सेकेंडरी डोमिनेंट बजानी है, तो ये रहा मेरा पाँचवा नोट, ठीक। अब देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, मेजर स्केल टू कॉर्ड पे आ गए, ये जितनी डोमिनेंट कॉर्ड्स आप सुन रहे हैं सारी सेकेंडरी डोमिनेंट्स। अब चौथी कॉर्ड मेरी है डी मेजर सेवन, करेक्ट। इससे पहले भी मैं सेकेंडरी डोमिनेंट डाल सकता हूँ, राइट। ऐसे ही बढ़ते चलते हैं, फिफ्थ कॉर्ड पे ये डोमिनेंट है, इससे पहले भी सेकेंडरी डोमिनेंट डाल सकती है, राइट। और फिर सिक्स्थ कॉर्ड है यहाँ पे, इससे पहले भी डाल सकते हैं आप। और फिर हमारी लास्ट कॉर्ड है माइनस सेवन फ्लैट फाइव, उससे पहले भी, एंड रिजॉल्व। एंड देन बैक टू मेजर सेवन, ठीक है। अब ये माइनस सेवन फ्लैट फाइव अपने आप में रेजोल्यूशन नहीं होता है, तो कई बार जब ये म्यूजिकल सिनेरियोज में इस्तेमाल होती है तो इस तरह से इस्तेमाल नहीं होती, बट जस्ट फॉर नॉलेज सेवन्थ को अभी के लिए सेकेंडरी डोमिनेंट ऐड करने के लिए उसका पांचवा बजाइए और वापस हम आ गए अपनी वन कॉर्ड पे, ठीक है। अब आता है सवाल, कैसा साउंड करेगा ये सब कुछ एक साथ में, तो वन कॉर्ड, टू कॉर्ड,
chord, 4 chord, 5 chord, 6 chord, 7th chord, and then back to resolution. Right? थोड़ा सा पास पास है ना, तो शक्ल अजीब सी बन गई. अब देखते हैं इस गाने के कोरस में क्या हुआ और कहां पे सेकेंडरी डोमिनेंट का इस्तेमाल हुआ. 4 कॉर्ड, 1 कॉर्ड, डोमिनेंट कॉर्ड, गोइंग टू 6. अब यहां पे देखते हैं, पहले इन्होंने 4 कॉर्ड बजाई है जो मेजर होती है मेजर स्केल में. चाहत के दो पल भी गोस टू 1. नाउ सेकेंडरी डॉम, ठीक है. तो 6 माइनर से पहले जो ये कॉर्ड है उससे पहले इन्होंने उसके फिफ्थ से डोमिनेंट कॉर्ड बजाई. अब हमारे पास बेस में यहां पे नहीं है तो हम फिफ्थ को, ये भी फिफ्थ होता है, यहां से डोमिनेंट कॉर्ड बजा के दा 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 दा, ठीक. एक बार और तारा रा 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 तारा रा, और वे डोमिनेंट सेकेंडरी डोमिनेंट गोज टू 6 माइनर, ठीक है. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि टेंशन क्रिएट करने के लिए ये चीज को डाला गया. और उसके बाद में दोबारा यही चीज आती है, ना 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 तारा रा दा 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 दा, 6 माइनर, 5 मेजर, 4, 3, 2, 5, 1, लास्ट वाला ऐसे बजिए. सो गाना डायटोनिक है, लेकिन गाने को कूल बनाने के लिए और टेंशन देने के लिए कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि अरे अब क्या होने वाला है, वो सेकेंडरी डोमिनेंट ऐड की जाती है और फिर उसको डायटोनिक मोशन में फिर से भेज दिया जाता है, ठीक. तो ये क्रिएट होती है टेंशन रिलीज की फीलिंग. चलिए आगे चलते हैं. आगे इस गाने में सेम ही पार्ट है, मैं सीधा ब्रिज बजा रहा हूँ आपके लिए, और ब्रिज पहले मैं बजा के सुनाऊंगा आपको, उसके बाद में हम उसका ऑपरेशन करेंगे. ये बहुत आसान है, 1 and 5 फ्रॉम ए. आ गया वापस. राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसमें क्या हुआ, सारा सेक्शन ऐसा डिजाइन हुआ है, जो भी बल बीता दा रा 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 रा, है ना, एकदम अलग कॉर्ड्स. तो अब ये जो कॉर्ड्स क्रिएट हुई है ये मल्टीपल स्केल्स के अंदर की कॉर्ड्स हैं, मल्टीपल डायटोनिक हार्मोनीज के अंदर की कॉर्ड्स हैं. कहने का मतलब ये है कि दो कॉर्ड किसी स्केल से आई हुई हैं, दो कॉर्ड किसी और स्केल से आई हुई हैं, समझते चलते हैं. तो पहली दो कॉर्ड्स हमारी, जो भी पल बीता, ये हमारी सेम कॉर्ड्स हैं, यानी कि सेकेंडरी डोमिनेंट्स. अब अगर हम याद करें कि पहली कॉर्ड ए मेजर में मेजर होती है, दूसरी माइनर होती है, ठीक. अब यहाँ आने से पहले, टू माइनर पे आने से पहले जो फिफ्थ है, यहाँ का फिफ्थ, इसका ऑक्टेव नीचे, यहाँ से डोमिनेंट बजाई गई है ना. सो टू माइनर पे आने से पहले डोमिनेंट 7 बजाई गई, जो भी पल बीता, करेक्ट. अब इसी को मेजर बना दिया, दा रा 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 रा. अब ये रिजॉल्व कहीं और जाके हुई, क्या हुआ यहाँ पे, एक नए स्केल का इंट्रोडक्शन मान लीजिए कर दिया गया है, जो है ई हार्मोनिक माइनर. ई हार्मोनिक माइनर होता है माइनर स्केल की तरह ही होता है, लेकिन उसका 7th नोट नेचुरल हो जाता है, तो उसकी शेप ऐसी बन जाती है, ठीक. माइनर स्केल की शेप क्या होती है, बस ये वाला नोट यहाँ चले जाएगा तो इसकी ये वाली साउंड क्रिएट होती है. अब हार्मोनिक माइनर स्केल के अंदर भी डायटोनिक हार्मनी होती है, उसके अंदर भी टेंशन और रेजोल्यूशन होता है. यहाँ पे भी प्राइमरीली हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं हार्मोनिक माइनर के स्केल से, वो है 5 जो स्केल में डोमिनेंट 7th होती है, और 1 माइनर, ठीक. अब हम अगर देखें स्केल की कॉर्ड्स बहुत ही अटपटी हैं, और 1 जो कॉर्ड है इसमें वो 1 माइनर मेजर 7 है, ठीक. तो जनरली क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं माइनर 5-1 रेजोल्यूशन, कि 5 कॉर्ड को हम डोमिनेंट बजा देते हैं और 1 कॉर्ड को माइनर बजा देते हैं, सो दैट देयर इज अ फीलिंग ऑफ टेंशन क्रिएशन एंड रेजोल्यूशन, बट अ माइनर रेजोल्यूशन.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी पल बीता। अब हम चले गए हार्मोनिक माइनर स्केल में, ठीक। डेफिनेटली यहाँ पे वन कॉर्ड लिखी हुई है माइनर मेजर सेवन, लेकिन हम लोग माइनर पे रिजॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन, ठीक। तो किताब में कुछ और है, रियल लाइफ में कुछ और होता है। इसकी कॉर्ड्स अटपटी हैं मैं जानता हूँ, और मैं अभी आपको हार्मोनिक माइनर की डायटोनिक हार्मनी में नहीं ले जा रहा, सिर्फ इसका 5-2-1 रेजोल्यूशन समझ लीजिए, उतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद में ठीक, ये जो दो कॉर्ड्स हैं ना, ये वाले पार्ट की, ये कहाँ से आई हैं, ये आई हैं ई माइनर स्केल से। जैसे कि माइनर हार्मोनिक माइनर स्केल की डायटोनिक हार्मनी थी, मेजर स्केल की डायटोनिक हार्मनी थी, ऐसे ही माइनर स्केल की भी डायटोनिक हार्मनी होती है। तो अगर मैं ई माइनर का केस देखता हूँ, ई माइनर स्केल में पहली कॉर्ड माइनर होती है, दूसरी कॉर्ड माइनर या फिर माइनर सेवन फ्लैट फाइव, तीसरी कॉर्ड मेजर सेवन्थ, चौथी माइनर सेवन्थ, पांचवी माइनर सेवन्थ, ठीक है, या फिर माइनर तो फ्लैट सिक्स होती है, या फिर छठी कॉर्ड मेजर सेवन्थ या फिर मेजर सेवन्थ कॉर्ड, वो होती है मेजर या फिर डोमिनेंट सेवन्थ, बैक टू ई माइनर, ठीक है, या फिर वन माइनर। तो अब इसमें से आई हैं ये कॉर्ड्स, पहली कॉर्ड थी, ये दूसरी कॉर्ड थी, तो ये तीसरी कॉर्ड जो है ई माइनर की वह मेजर, और उसके बाद में ये जो कॉर्ड है डी, ये उसकी फ्लैट सेवन कॉर्ड है, ठीक। नेक्स्ट टू कॉर्ड्स हैं, इतनी सी तो बात है इज दिस। अब ये जो दो कॉर्ड्स हैं, ये फिर दोबारा ए मेजर स्केल में हम वापस आ गए, तो ए मेजर को बजाया गया है पहले फाइव कॉर्ड, वापस आना है ए पे, ठीक है। अब ये क्यों घूमे फिरे हम इतना ज़्यादा, तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके लिए एक टेंशन क्रिएट करना, और ऐसी जगह पे चले जाना जिसके अंदर और टेंशन क्रिएट की जा सकें। एक ऐसे पाथ वीव किया है कॉर्ड्स का, जो वापस आके हमारी डायटोनिक कॉर्ड पे गिरता है, क्योंकि हमने देखा ना अभी लास्ट कॉर्ड जो थी, इतनी सी तो बात है, ठीक है, वापस आ गया। मैं फिर से गलत मेलोडी गा रहा हूँ, बट नेवर माइंड, एक बार फिर से, ठीक है, ये मेलोडी है। सो पूरा पाथ वीव करके कहीं से कहीं जाके, एज लॉन्ग एज हम वापस पहुंच जाएं जहां हम आना चाहते हैं, क्योंकि रिलीफ फील होता है उसके बाद में ना, एकदम से नॉर्मल। वापस आ गया ना, राइट। ये कॉन्सेप्ट है टेंशन और रेजोल्यूशन का, ठीक। कॉर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, बजा में अलग अलग जगह पर रहा था, वो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा बेसिकली। अगर मैं ए मेजर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसको ए ट्रायड को नीचे बजाएंगे तो बेस गिटार पे अच्छा सुनाई देगा। कॉर्ड्स ऊपर बजा रहा था क्योंकि क्लैरिटी अच्छी आती है। ये सारे कॉन्सेप्ट कि ट्रायड्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, डायटोनिक हार्मनी क्या होती है, इंटरवल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, और बेस लाइन्स पे अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट होती हैं सारी बेस लाइन्स, ये सब आपको लेवल वन कोर्स में मिलेगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए बिगिनर बेस कोर्स भी अवेलेबल है द स्कूल ऑफ बेस डॉट इन पर। थैंक यू सो मच। कुछ नया सीखा तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए। ये है द स्कूल ऑफ बेस, मैं हूँ सौरभ सुमन, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।